प्रताप अगर कमजोर होंगे हाँ। और जो उन्होंने आशंका व्यक्त किया है हाँ। कि मेरे साथ नाइंसाफी दल के अंदर मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आरजेडी में जो चल रहा है वो सबके सामने है, कैसे जगदानंद पर तेज प्रताप हमलावर हैं, इसी को लेकर हम भाजपा दफ्तर में हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी पटेल जी, क्या है आपके पड़ोसी आरजेडी वाले आपस में ही ये क्या हो रहा है? ये तो कोई नई बात है क्या? अच्छा, ये पहले से चला आ रहा है हाँ। वहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसमें जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष है। जगदा बाबू तय नहीं कर पा रहे हैं कि लालू के बेटा कौन है। अच्छा, तेज प्रताप है कि तेजस्वी है? दोनों है ना। तेज प्रताप को बताना पड़ रहा है कि मैं लालू का बेटा हूँ हाँ। लालू का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ हाँ। उनका बारिश मैं हूँ हाँ। मुझे जो ऐसे नेतृत्व मिलना चाहिए और तेज और जगदा बाबू मानते हैं कि तेज प्रताप लालू का बेटा नहीं है, तेजस्वी को बेटा मानते हैं हाँ। तो पहले तो ये तय हो जाए कि लालू का असली उत्तराधिकारी कौन है हाँ। बड़े बेटे का हक बनता है और छोटे को दे दिया गया सत्ता कुर्सी, तो ये तो झगड़ा होगा ही। तो आप लोग तेज प्रताप को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ हाँ। लेकिन जो हक जिसका बनता है वो हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हक मिलना चाहिए और तेज प्रताप अगर कमजोर होंगे हाँ। और जो उन्होंने आशंका व्यक्त किया है हाँ। कि मेरे साथ नाइंसाफी दल के अंदर में हो रहा है हाँ। अगर सरकार से मदद चाहिए हाँ। तो सरकार उनको मदद करने के लिए भी तैयार। मदद कीजिएगा आप लोग जरूर, क्यों नहीं। अच्छा। तेज प्रताप कोई भी व्यक्ति हाँ। जो पीड़ित होगा हाँ। वो अगर अपनी सुरक्षा मांगेगा हाँ। अपना दर्द बयां करेगा तो हम उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी तो हम सरकार में है तो लेंगे ना। वो तो दर्द बयां कर ही रहे हैं, बोल हाँ, रहे हैं। वो कहें हाँ। वो बोले कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है हाँ। हमको सरकार सुरक्षा दे हाँ। हमारे साथ इंसाफ दिलवाने का काम करे तो आप लोग वो आवेदन करेंगे हाँ। हम लोग उनको इंसाफ दिलवाएंगे, खड़े रहेंगे साथ में। जरूर जरूर इंसाफ दिलवाएंगे, इंसाफ दिलवा दीजिएगा। अच्छा, ये क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है चचा भतीजे वाला? अब ये पता नहीं कौन से लोभ में पड़े हुए हैं जगदा बाबू। अच्छा, तेजत हो रहे हैं, इतने पुराने नेता हैं, इतने सम्मानित नेता हैं, लालू के साथ काम किए हुए हैं हाँ। लालू भी उनका सम्मान करते थे और दोनों के बीच के बीच में अपमानित हो रहे हैं हाँ। अब वो कौन से लोभ में पड़े हुए हैं? अरे आप इस उम्र में लोभ लालच छोड़िए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए जगदा बाबू। तो किधर जाए सम्मान की रक्षा में? सम्मान की रक्षा, आप सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी न्योछावर हो जाता है हाँ। और ये पद की लोभ में पड़े हुए हैं। अच्छा, ये सम्मान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये पद की लोभ में पड़े हुए हैं। तो पद की लोभ छोड़िए हाँ। और सम्मान की रक्षा कीजिए जगदा बाबू। चले, सम्मान की रक्षा जगदानंद सिंह करेंगे, मगर तेज प्रताप की रक्षा आप? तेज प्रताप अगर मांगेंगे मदद हाँ। सुरक्षा हाँ। तो हमारा दायित्व बनता है, हम सरकार में है हाँ। उनको जो है हक दिलाने नहीं छोड़िएगा? नहीं, कैसे छोड़ेंगे। अच्छा, जो पीड़ित रहेगा उन पीड़ितों तो का मदद करना तो हमारा काम है। अच्छा, दायित्व है हाँ। बिहार की जनता ने हमको वो दायित्व सौंपी है हाँ। उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। तेज प्रताप के लिए बीजेपी खड़ी होती नजर आ रही है और कह रही है पीड़ित है तो हम साथ हैं, बिहार के हर पीड़ित के साथ। अगर तेज प्रताप भी पीड़ित है एक बार वो लिखें, बोले, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जुड़े रहे आप हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.